नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। झांसी जनपद में कल रात बड़ागांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने दो आपराधिक घटनाओं का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने लूटपाट के दौरान की गई हत्या तथा एक अन्य चोरी की घटना का रासफाश किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने पुलिस लाइन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कल रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम जिमरौनी के पास चेकिंग अभियान के दौरान कुछ संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें पकड़कर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 4 .315 बोर के अवैध तमंचे, 9 कारतूस तथा 1 कारतूस का खोखा बरामद किया है। इसके अलावा उनके पास से सोने चांदी के जेवरात तथा नकदी आदि भी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम सोनू अहिरवार, इंद्रदीप अहिरवार, बल बहादुर निवासी उन्नाव बालाजी थाना दतिया मध्य प्रदेश तथा सुनील अहिरवार निवासी गोरा मछिया बड़ागांव बताए हैं। पुलिस द्वारा कड़ाई से की गई पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उन्हें बड़ागांव थाना क्षेत्र में लूटपाट के दौरान हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार इस घटना में लूटे गए जेवर तथा 8,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा इन्हीं बदमाशों ने चिरगांव में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिससे संबंधित नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों का एक साथी रवि अहिरवार निवासी उन्नाव बालाजी मध्य प्रदेश मौके से भाग निकला, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के क्रम में ज्ञात हुआ कि ललौआ गांव के उन्नाव बालाजी के रहने वाले कुछ व्यक्ति एक गैंग बनाकर झांसी जिले में, विशेषकर बड़ागांव थाना क्षेत्र और चिरगांव के आसपास अपराध कर रहे हैं। उनके द्वारा ग्राम चंद्रपुरा में एक व्यक्ति श्यामलाल कुशवाहा को मारा पीटा गया था लूट के दौरान, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इन चार व्यक्तियों को थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति सुनील अहिरवार थाना क्षेत्र बड़ागांव का रहने वाला है। बाकी तीन लोग ललौआ के इनके रिश्तेदार हैं, इनके नाम सोनू, इंद्रदीप और बल बहादुर हैं। ये लोग सुनील के घर में रह करके रात में निकल करके अपराध करते थे और उसके बाद फिर सुनील के घर में आके सो जाते थे। इनकी आपराधिक घटनाओं की और भी जानकारी की जा रही कि उन्होंने और कौन से अपराध किए होंगे। अभी दो अभियोगों का अनावरण हुआ है, एक बड़ागांव थाना क्षेत्र का है और एक चिरगांव थाना क्षेत्र का है, जिसमें माल बरामद हुआ है। सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं, 12,300 रुपये बरामद हुए हैं और इनके साथ जो प्रयोग में असलहे लाए गए थे वो बरामद हुए। ये एमपी के रहने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह है और काफ़ी दिनों से अपराध कर रहे थे। जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियान चला गया उसके दौरान ये पकड़े गए। इनके चार अभियोग अभी तक पता चले हैं, अन्य अभियोग निश्चित रूप से इनके अभी प्रकाश में आएंगे, इसमें हमारी विवेचना जारी है।